हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम द टॉपिक ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम सो एज़ वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है प्रैक्टिस एमसीक्यू सीरीज़ चली है ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रेपरेशंस को चेक करने में एज वी नो कि जैसे पी जी टी है या एच पी सेट रहता है कोई भी एग्जाम है सो so, आप कितना प्रिपेयर किया है वो पर्टिकुलर टॉपिक सो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करके चेक कर सकते हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने आ, कोशिश की है कि हर एक टॉपिक से जो है एक क्वेश्चन रहे सो so दैट की एक ओवरऑल रिवीजन जो है वो पूरे आपका जो है इस टॉपिक में हो जाए इन क्वेश्चन के थ्रू सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आर first question that is joint of sternum and ribs is that is ball and socket joint cartilaginous joint fibrous joint or the hinge joint so this question is related to the joints joint between sternum and ribs is the cartilaginous joint now सी इन दिस पिक्चर ये जो फ्लैट uh, बोन नजर आ रही है दैट इज द स्टर्नम और ये जो रिंग शेप्ड बोन्स हैं दे आर द रिब्स ह्यूमंस में ट्वेल्व पेयर्स ऑफ रिब्स रहते हैं सेवन पेयर ट्रू रिब्स थ्री आर द फॉल्स रिब्स एंड टू आर द फ्लोटिंग रिब्स राइट सो बैकवर्डली ये जो है हमारे वर्टिब्री कॉलम से अटैच होती हैं एंड हमारी वेंट्रल साइड पे स्टर्नम से ट्रू रिब्स जो स्टर्नम से ज्वाइन करेंगी फॉल्स रिप जो है स्टर्नम से ज्वाइन नहीं करेगी इनका जो ज्वाइंट रहेगा दैट इज द कार्टिलेजिनस ज्वाइंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स ए साइड में आपको पॉइंट्स दिए हैं बी साइड में मैच करना है फ्लोटिंग रिप्स क्या हैं प्रोसेस स्कैपुला एंड द ग्लिनॉइड कैविटी सो इनका सबसे ईजिएस्ट वे होता है कि जो आपको सबसे पहले पता है आप उसको सबसे पहले मैच कीजिए राइट सो फ्लोटिंग रिब्स जो हैं दे डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम राइट मैंने जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि ये डॉर्सली ज्वाइन करेगी बट वेंट्रली ज्वाइन नहीं करेंगी फ्लोटिंग रिब्स सो एक्रोमियन प्रोसेस क्या है ये क्लैविकल में प्रेजेंट है एंड स्कैपुला जो है दैट इज लोकेटेड सेकंड एंड द सेवेंथ रिब एंड ग्लिनोइड कैविटी जो होती है वो ह्यूमरस हेड ऑफ ह्यूमरस फॉर्म करती है ठीक है ना पैक्टोरल गर्डल में क्लियर सो दीज आर द फोर ऑप्शन एंड दीज आर द आंसर्स ए का फोर है ठीक है बी का थ्री सी का वन एंड टू का डी का टू नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टियोपोरोसिस एंड एज रिलेटेड डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम मे बी ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो क्यों होता है सो द करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज़ ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन फीमेल्स में अगर नॉर्मली देखें आफ्टर द एज ऑफ फिफ्टी जो एस्ट्रोलोजन लेवल है वो डिक्रीज कर जाता है जिसकी वजह से कि बोन ईश्यूज़ रहते हैं ओस्ट्रियोपोरोसिस होता है सो so, कैल्शियम की डेफिशेंसी हो जाती है सो दैट कॉजिज द ओस्टियोपोरोसिस दैट इज सॉफ्टनिंग एंड बैंडिंग ऑफ बोन्स क्लियर अगला क्वेश्चन है एग्जियल स्केलेटन इंक्लूड्स राइट स्केलेटल सिस्टम जो है वो दो पोर्शन में डिवाइड है एक्जियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन एग्जियल स्केलेटन में क्या आता है एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या आता है क्लियर सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्कल वर्टिब्री कॉलम एंड द रिब केज ठीक है जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसमें आता है लिम्स एंड गर्डल्स राइट वन ट्वेंटी बोन्स आएंगी और जो एग्जियल स्केलेटन है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ एटी बोन्स एटी में से स्कल में ट्वेंटी नाइन ठीक है अगर हम ईयर ऑसिकल्स को भी इंक्लूड कर दें एंड रिब केज आता है एंड वर्टिब्रल कॉलम आता है वर्टिब्रल कॉलम बनता है ट्वेंटी सिक्स बोन से ठीक है और रिब्स आती हैं ट्वेल्व पेयर्स मीन्स ट्वेंटी फोर एंड वन इज द स्टर्नम सो ये एटी बोन्स जो हैं दे आर इंक्लूडेड इन द एगज स्केलेटन अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स सो कौन सी बोन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आर बी सीज सो देक्ट आंसर इज लॉन्ग बोन्स ठीक है जब जो है चिल्ड्रंस में रिस्पॉन्सिबल uh, जो है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आर बी सीज दीज आर द लॉन्ग बोन्स और अगर एडल्ट में देखें तो जैसे रिब्स हैं या स्टर्नम हैं यहाँ भी आपकी जो बोन्स हैं दे ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आर बी सीज राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जियल स्केलेटन इज कंप्राइज ऑफ जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि ह्यूमन स्केलेटन जो है वो दो पोर्शन में डिवाइड है एग्जियल स्केलेटन एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन एग्जियल स्केलेटन कितनी बोन्स का बना है एटी बोन्स राइट एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ वन ट्वेंटी बोन्स उसमें आएंगे पेक्टोरल गर्डल पेल्विक गर्डल एंड द लिम्स और जो एग्जियल स्केलेटन है उसमें आएगा स्कल ईयर ऑसिकल्स राइट एंड द रिब केज एंड दर्टिब्री कॉलम दैट इज ऑल्सो नोन एज द स्पाइन ठीक है तो ये टोटल आएंगी इसमें एटी बोन्स विच फॉर्म द एग्जियल स्केलेटन ठीक है ना अगर हम स्कल में देखें तो कुछ बुक्स में जो है ईयर ऑसिकल्स जो सिक्स होते हैं नंबर्स में वो स्कल से सेपरेट दिए रहते हैं और कई बार जो है इसी में इंक्लूडेड रहते हैं ठीक है तो ये चेक कर लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द नी राइट जो हमारा नी है और जो एल्बो है इसका जो जॉइंट है वो कौन से टाइप का है ठीक है सो दैट इज द हिंज जॉइंट देखिए स्केलेटल सिस्टम में कोई भी चाहे वो क्वेश्चन है चाहे सेट का एग्जाम है चाहे पीजीटी का एग्जाम है मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं दैट आर फ्रॉम द जॉइंट ठीक है तो इन जॉइंट वाले क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा सो नी बोन जो है दैट दैट इज़ इज़ नोन एज और यहां जो जो जॉइंट 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 रहेगा द हिंज हिंज है उसमें मूवमेंट सिर्फ एक डायरेक्शन में होती है राइट चाहे आप एल्बो अपना मूव करके देख लीजिए या नी मूव करके देख लीजिए सो मूवमेंट जो है दैट इज ओनली इन वन डायरेक्शन राइट अगला क्वेश्चन है नेम द बोन अटैच टू द टंग सो द बोन विच इज़ अटैच टू द टंग ये सिर्फ इकलौती बोन है जो कि सिर्फ एक साइड अटैच है और सेकेंड एंड इसका जो है वो फ्री है आगे वो किसी से भी अटैच नहीं है दैट इज नोन एज हाइड बोन जो टंग है ये इसके बेस पे पीछे अटैच होती है एंड दैट इज द हाओयड बोन ठीक है एक साइड इसका जो है वो टंग से अटैच्ड है एंड सेकेंड एंड जो है वो फ्री रहता है राइट एंड दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एक्सियल स्केल्टल सिस्टम अगला क्वेश्चन जो आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड दैट इज अगेन रिलेटेड टू द जॉइंट द क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द नेक अलॉइंग द रोटेशन अगर आप अपनी नेक पे देखो तो आप यस yes, मूवमेंट कर सकते हो नो no मूवमेंट कर सकते हो तो किसकी वजह से ये जो है मोवमेंट पॉसिबल है दैट इज नोन एज द पेविट जॉइंट राइट जो यस yes, मूवमेंट आती है दैट इज ड्यू टू द मोमेंट uh, इन जो ऑसिपिटल कंडाइल और फर्स्ट एक्सिस वर्टिब्री जो होती है उनकी मोमेंट से आती है ठीक है ना और जो नो no मोमेंट आती है दैट इज़ ड्यू टू द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्टिब्री पिक्चर में हाईलाइट करके भी दिखाई है फर्स्ट और सेकेंड वर्टिब्री जो है इनमें जो जॉइंट रहेगा दैट इज नोन एज द पेवेट जॉइंट विच अस द येस मोमेंट एंड नो मोमेंट ठीक है ना जो आप अपनी नेक मूव करवाते हैं अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बोन ऑफ क्रेनियम क्रेनियम जो है कहते हैं बोन्स रिलेटेड टू आर स्कल ठीक है ना ऊपर जो क्रेनियम की बोन्स आती हैं ये नंबर में एट हैं कौन सी है जो इनमें से क्रेनियम की बोन नहीं है सो दैट इज द जैगोमैटिक बोन जैगोमैटिक जो है फेशियल बोन आती है ऑल्सो नोन एज चीक बोन ठीक है जो हमारे गाल रहते हैं चीक रहते हैं ये चीक बोन कहते हैं जैगोमैटिक को बाकी जो बोन है दे आर ऑफ क्रेनियम क्रेनियम एट बोन से बना है और क्रेनियम के बीच के जो जॉइंट्स जो हैं दे आर इमूवेबल जॉइंट्स नोन एज द दूचर्स ठीक है तो जो जैगोमोटिक बोन है ये आप पिक्चर में देख सकते हैं चीक बोन इसको कहते हैं दैट इज़ द जैगोमैटिक बोन ये आती है फेशियल बोन के अंदर ठीक है ना स्कल का ही पार्ट है फेशियल बोन कितनी रहती है फोर्टीन इन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सियल बोन ठीक है एक्सियल स्केलेटन की बोन इसमें से कौन सी नहीं है ज़ाइगोमेटिक बोन अभी हमने पढ़ा कि ये फेशियल बोन है तो दैट मीन्स कि ये स्कल का ही पार्ट होगा ठीक है ना क्योंकि पूरा स्कल जो है फेस जो है वो स्कल में ही आता है तो करेक्ट आंसर है स्कैपुला स्कैपुला क्लाविकल ये किसकी बोन है पेक्टोरल गर्डल की ठीक है ना शोल्डर की जो बोन्स आती हैं दोनों तरफ एक तरफ ये देखिए आप पिक्चर में ठीक है ना स्कैपुला जो है वो शोल्डर ब्लेड uh, कहते हैं फ्लैट बोन रहती है और इसके ऊपर रहती है कॉलर बोन जिसको आप टच भी कर सकते हैं बाहर से तो ये बोन्स हैं पेक्टोरल गर्डल की एंड पेक्टोरल गर्डल इज़ अ पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन ठीक है इसे देखिए आप जो ये ह्यूमरस uh, अटैच है फिर ठीक है ना स्केबोलाज की कैविटी से सो so, ये सब आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फोर स्टेटमेंट आपको दी हैं कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है हिप गर्डल हैज थ्री बोन्स रिब्स हैव ट्वेल्व पेयर्स क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ नाइन बोन्स या ईच लिम्ब हैज थर्टी बोन्स ठीक है तो क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ नाइन बोन्स ये स्टेटमेंट जो है गलत है बिकॉज क्रेनियम इज फॉर्म्ड ऑफ एट बोन्स ठीक है ना टू आगे एक फ्रंटल रहती है साइड में टू पैराइटल ठीक है देन टेम्पोरल ऑसिपिटल फिनॉइड एंड एथमॉइड क्लियर सो एट बोन्स जो हैं वो क्रेनियम में रहती हैं दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट अगला क्वेश्चन है मूविंग स्कल बोन इज कौन सी बोन है स्कल की जो मूव करती है इसको आप वैसे भी चेक कर सकते हो ठीक है अपनी आप जॉ बोन देखिए ठीक है ना अपर जो आता है मैगजिला लोअर जॉ इज़ नोन एज मैंडेबल ऊपर वाला आप मूव करके देखिए अपनी खुद से वो नहीं मूव करेगा बट जो लोअर जॉ है दैट इज मूवेबल राइट आप चाहे अपने आप ही मूव करके देख सकते हैं ठीक है तो हमेशा याद रखिए मूविंग जो स्कल बोन है दैट इज़ द मैंडेबल दैट मीन्स लोअर जॉ आपका जो है दैट इज मूवेबल और ये सिंगल Uh, जो है बोन रहती है ठीक है ना अपर जो में अगर आप देखेंगे मैगजिला में तो टू आएंगी बट मैंडिबल जो है दैट इज ऑफ ओनली अ सिंगल बोन ठीक है अगला क्वेश्चन है ईयर बोन मेलस इज लोकेटेड इन थ्री जो है ईयर ऑसिकल की बोन्स आती हैं मेलस इनकस स्टेपियस ठीक है मैलस सबसे फर्स्ट आती है फिर सेंटर पे इनकस देन स्टेपस तीनों की तीनों बोन जो हैं दीज आर लोकेटेड इन द मिडल ईयर राइट जो स्टेपस है उससे इंटरनल अगर आप देखेंगे सो इंटरनल ईयर स्टार्ट हो जाता है जो स्मॉलेस्ट बोन है उसके साथ ही बॉडी की स्मॉलेस्ट मसल भी है दैट इज नोन एज स्टिपीडियस तो ये स्टेपस के साथ रहती है जो स्मॉलेस्ट बोन है ठीक है सो ईयर ऑसिकल में ईयर बोन तीन है मिलस इनकस एंड स्टेपस एंड दीज आर लोकेटेड इन द मिडल ईयर अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी केनाइन टीथ डज द ह्यूमन एडल्ट हैव ह्यूमन एडल्ट के पास कितने केनाइन टीथ ट हैं नंबर ऑफ ऑफन टीथ इन ह्यूमन एडल्ट द द फोर टू टू इन इन अपर जो एंड लोअर जो और ह्यूमन का जो डेंटल फॉर्मूला है दैट इज टू वन टू थ्री बाई टू वन टू थ्री और अगर हम टेम्पररी टीथ की बात करें तो दैट इज टू वन जीरो टू बाई टू वन जीरो टू ठीक है जो प्री मोलर्स हैं वो एबसेंट होते हैं एंड मोलर्स के सिर्फ टू टू पेयर्स ही प्रेजेंट होंगे सो दैट्स ऑल अबाउट दीज क्वेश्चन आई होप कि इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से आपका जो है एक टॉपिक रिवाइज हो चुका होगा जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम है उसमें एक रिविज़न मिला होगा सो so, बायोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड एम की सीरीज़ भी आपको जो है मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है उस पर मिल जाएगी सो so, आप जाके चेक कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को चेक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो so दैट आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन भी मिल सके थैंक यू